मंगलवार को राधा गांव के सुशांत मिश्रा ने अपना नामांकन बोकारो विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भरा। इस दौरान उनके समर्थकों के बीच काफी उत्साह देखा गया। गाजे बाजे के साथ सुशांत मिश्रा और उनके समर्थक नामांकन करने पहुंचे थे। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने के बाद सुशांत मिश्रा ने पत्रकारों से बात की। क्या कहेंगे आप, इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहली बार युवा हैं, किन मुद्दों को लेकर? देखिए, मेरा बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मेरे आम जनता आज बेरोजगार है, मेरे विस्थापित भाई बेरोजगार हैं, मेरे बूढ़े मेरे महिलाएं, वो सब अभी परेशानी से जूझ रहे हैं, कष्ट है। उनके आंखों का दर्द कोई नहीं देख रहा, उनके आंखों का दर्द को समझना होगा, जो कोई समझ नहीं पा रहा। मैं उन्हीं के बीच से निकला हुआ, उनका माटी का बेटा हूँ, मैं उनका दर्द समझ रहा हूँ, मैं उनका भाषा समझता हूँ, मैं उनके लिए काम करने का प्रयास करूँगा, मैं कोशिश करूँगा। रोजगार मैं तो रोजगार तो दे नहीं सकता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं आपके जैसा आम जनता हूँ, और ना ही मैं कोई नेता हूँ, ना मेरे को नेतागिरी करने आता है। बस मैं अपने भाइयों बहनों का दुख दर्द के लिए काम करूँगा, बस मैं उनका आवाज़ बनूँगा। सुशांत जी, इतने राष्ट्रीय पार्टियां भी आ गई हैं मैदान में, भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, कहां पाते हैं अपने आप को आप? पर मेरे माताएं बहनें मेरे भाई हो, सबका सपोर्ट है। उनका कहना है, भैया आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं हार जीत तो अलग जगह रहेगा, लेकिन आप आगे बढ़ो, आप मेरे लिए दिशा निर्देश करोगे। किन किन क्षेत्रों में प्रचार करेंगे, कहां से आपको लग रहा है कि इस बार आपको समर्थन मिलने जा रहा है बोकारो विधानसभा? मेरे को पूरे बोकारो विधानसभा क्षेत्र से समर्थन मिलने वाला है। मेरे युवा भाई, मेरे माताएं, बूढ़े कितने हैं, सबका समर्थन मेरे को है। बोकारो परिवर्तन मांग रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त करना है।